स्वागत है स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत पर, जहाँ पर आजकल हम लोग आईबीएससी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं और आईबीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप सीख रहे हैं। आज उसी सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है आईबीएससी नेमिंग ऑफ एसाइक्लिक ओआर और साइक्लिक कंपाउंड्स। इससे पहले भी हम लोगों ने पार्ट वन साइक्लिक कंपाउंड्स खत्म कर रखा है, आज थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम क्या करेंगे इसको सीखेंगे। एडवांस लेवल दैट मीन्स की बात करते हैं, आज एसाइक्लिक कंपाउंड्स में बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शन ग्रुप लगा करके हम क्या करेंगे आईबीएससी नेमिंग की क्या करेंगे प्रैक्टिस कर देंगे। इस कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस क्या करते हैं एग्जाम में गलत करते हैं, क्योंकि उनको सीधा सीधा स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स की आदत होती है। साइक्लिक कंपाउंड वाले में आकर के क्या कर जाते हैं साइकिल बना करके घूम घूम के परेशान हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना है कि इसको थोड़े से कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, छोटे छोटे रूल्स हैं जिसको आप समझ करके स्मार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए सीखते हैं कुछ ऐसा लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए स्टूडेंट्स करना शुरू करते हैं, आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चंस बने दिए हमें। ठीक है, हो सकता है कि आपको आता हो, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, मेरे साथ इन क्वेश्चंस को क्या करिए सीखिए। इसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, गलत नहीं होगा। आपको आता है मुझे पता है, बट मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपको क्या करनी है सीखनी है जो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या हो सकती है इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, चीजों को मेरे साथ सीखिए। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं, इतने ही नहीं इसके बाद भी अभी हम लोग थोड़े कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं हुई है, आइए करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखो ये छोटा सा कंपाउंड मैंने लिया हुआ है, इसके बारे में आपको पता है। देखिए यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ये आपको पता है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो क्लोज चेन होते हैं क्लोज चेन की जो शुरुआत होती है नंबर ऑफ थ्री कार्बन से होती है। नंबर ऑफ थ्री कार्बन में क्या करने होते हैं, नंबर ऑफ थ्री कार्बन से ही क्लोज चेन की क्या होती है शुरुआत होती है। तो अगर आप देखो तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो, अगर जैसा कि आपने अगर पार्ट वन देखा होगा, अगर नहीं देखा है आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जाकर के पार्ट वन देखिएगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ सीखिए, आप बाद में उसे देख लीजिएगा। चलिए काउंटिंग करते हैं, वन टू थ्री, काउंटिंग किया आपने, वन टू थ्री। इसका नाम क्या हो जाएगा बता दीजिए, इसका नाम हो जाएगा, चूंकि ये क्लोज चेन है इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, बात समझ आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। चलिए इस कंपाउंड की नेम की प्रैक्टिस करते हैं। आप देखो यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी दिया हुआ, तो इस सब्स्टिट्यूएंट की खास बात क्या है कि यहां पर जब कुछ भी नहीं दिया था तो आपने क्या कर दिया काउंटिंग कहीं से भी कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट अब जो काउंटिंग करनी होगी कहां से करनी होगी, यहां से, तो वन टू थ्री या वन टू थ्री ऐसे जा सकते हो। तो इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा वन मिथाइल साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, याद रहेगा वन मिथाइल साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। यहां आइएगा, यहां देखिए क्या दिया हुआ। ठीक है, तो अब देखिए जरा फिर से देखिए, दो साइड चेन दिए हुए, फिर से देखिए इस कंपाउंड में देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब इस कार्बन की काउंटिंग अगर आप इसकी आईपीएससी नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा वन एथाइल, क्या हो जाएगा वन एथाइल साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वन एथाइल साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा, बात समझ आ रही नहीं आ रहा, वन एथाइल साइक्लो प्रोपेन। अब जरा इस कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं, जब इस कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो जो रिंग वाले कार्बन है यहां पर थ्री कार्बन एटम है और जो साइड चेन दिया हुआ है साइड चेन में टू कार्बन एटम है। एग्री कर रहे हैं, रिंग वाले में थ्री कार्बन एटम है और यहां क्या है टू कार्बन एटम है। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट में दिए हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि रिंग वाले में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है ज्यादा है, इसलिए इसे क्या मान लिया गया, इसलिए इसे पेरेंट चेन का कार्बन एटम मान लिया गया। ठीक है, और ये छोटा था, इसको क्या मान लिया गया सब्सिक्वेंट ग्रुप मान लिया गया।
बट इस कार्बन में अगर आप देखो तो जो ओपन चेन है यानी कि जो स्ट्रेट चेन है वहां पर नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ, बट रिंग चेन में कितने दिए हुए? 3 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए? 3 दिए हुए हैं। तो इस कंडीशन में जब, याद रखिएगा कि इस कंडीशन में जब नंबर, जब चेन क्या हो जाए किसी भी, तो इस कंडीशन में क्या करना है, जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, ध्यान से समझिएगा, जिसके नंबर ऑफ कार्बन, जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसी को क्या दे दी जाएगी? प्रायोरिटी दे दी जाएगी और उसी को पेरेंट चेन मान लिया जाएगा। क्या दिमाग में आया? यहां पर कहने का मतलब है कि यहां पर 4 कार्बन एटम है, ठीक है, पेरेंट चेन में यहां पर 1, 2, 3, 4 है, तो यहां 4 है, यहां 3 है, तो अब प्रायोरिटी इसको नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है कि अब इसे सब्सिक्वेंट मान लिया जाएगा और इसे पेरेंट चेन कार्बन मान लिया जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, तो काउंटिंग हमेशा कहां से, जहां से सब्सिक्वेंट पास में पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो अब आप देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा समझो, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, 1 साइक्लो, और इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल होगा, क्या होगा, PYL होगा, क्या होगा, प्रोपाइल होगा, प्रोपेन नहीं होगा, कि 1-साइक्लोप्रोपेन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 1-साइक्लोप्रोपेन लिख रहे हैं, नहीं, क्या लिखोगे, 1-साइक्लोप्रोपाइल लिखोगे। ज्यादातर गलतियां बच्चे यही करते हैं, इसका नाम क्या लिखते हैं, 1-साइक्लोप्रोपेन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोपेन करते हैं, बट क्या करेंगे आप, 1-साइक्लोप्रोपाइल और उसके बाद यहां क्या करोगे, ब्यूटेन और ब्यूटेन लिखेंगे, क्यों, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, क्या हो जाएगा, ब्यूट, और यहां क्या लगेगा, एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। याद रखिएगा एन क्यों लगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड। यहां आइए, जब इस कार्बन कंपाउंड की बात, यहां आइए जब इसकी बात करते हैं, तो देखिए यहां भी 3 कार्बन एटम है और यहां भी क्या है, 3, रिंग चेन में भी 3 कार्बन एटम है और स्ट्रेट चेन में भी क्या है, 3 कार्बन एटम है, बट यहां एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो रिंग वाले हैं उसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड दिया हुआ, जैसे ही डबल बॉन्ड इसमें आया है प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को मिल जाएगी, यानी कि डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट चेन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा कि इस कंडीशन में जब क्या हो जाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो काउंटिंग कहां से, डबल बॉन्ड से, तो क्या हो जाएगा, ऐसे 1, 2, 3, ऐसे तो करोगे, 1 के बाद यहां 2 नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड ऐसे गिने जाएंगे, 1 और 2 गिने जाएंगे, याद रखिएगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बता दीजिए, इसका नाम हो जाएगा 3, 3, 3, क्या हो जाएगा, 3 प्रोपाइल, और क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोप 1-ईन। आपको पता है डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो दिमाग में जा रहा होगा, 3-propyl-cyclo-prop-1-ईन हो जाएगा। जरा अब यहां आइए, जब इसकी बात करते हैं, देखिए 3 कार्बन एटम इसमें भी हैं, 3 कार्बन एटम इसमें हैं, जब यहां पर डबल बॉन्ड था तो इंपॉर्टेंस मैंने किसको दिया, इसको दिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, सब्सिक्वेंट ग्रुप मान लिया, बट अब आप देखो तो 3 कार्बन एटम इसमें भी हैं और 3 कार्बन एटम रिंग में भी हैं, तो अब मुझे इंपॉर्टेंस किसको देनी होगी बता दीजिए, अब मुझे डबल बॉन्ड को देनी होगी, काउंटिंग कहां से, जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े, तो 1, 2 और 3, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए फिर से, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3, बताइए, 3-साइक्लोप्रोपाइल, याद रखिएगा प्रोपाइल करेंगे, प्रोपेन नहीं करेंगे, तो 3-साइक्लोप्रोपाइल और उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1-ईन करेंगे, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ठीक है, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा सकता हूं, ठीक, चलिए अब देखिए, जैसा कि इस कंपाउंड की बात करें, तो इस कंपाउंड में हमने आपको क्या समझाया है, हमने इस कंपाउंड में समझाया है कि नंबर ऑफ
कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होगा उसको मेन पेरेंट चेन मान लेंगे और जिसमें कम होगा उसको सब्सिट्यूएंट ग्रुप मान लेंगे। यही तो मैंने बताया। लेकिन याद रखिएगा कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर आप देखें तो स्ट्रेट चेन में 1 और 2 ही कार्बन दिया है, और जबकि रिंग चेन में कितने दिए हुए हैं? 3 कार्बन एटम दिए हैं। इसके पास 3 होने के बाद भी, इसके पास 3 कार्बन एटम होने के बाद भी हम प्रायोरिटी किसे देंगे? ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे कार्बन एटम को जो फंक्शनल ग्रुप रखता है। ठीक है, तो अब देखिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके पास भले ही 2 है फिर भी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो प्रोपाइल, 2 साइक्लो प्रोपाइल। अब आपको पता है, मेरे को बता दीजिए ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है बेटा, तो आपको पता होगा ये एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज होता है, फिर से बता दीजिए क्या यूज होता है, AL यूज होता है, याद आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल और यहां क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनल। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसके लिए पोजीशन क्यों नहीं लिखा जाता है, तो आपको पता है कि जो ये वाला कंपाउंड होता है हमेशा 1 वाले पोजीशन पर पाया जाता है, तो इसलिए इसके लिए क्या किया जाता है, तो अगर आप चाहें तो इसके लिए भी प्लेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एथेनल 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, बट याद रखिएगा ये हमेशा 1 पे ही पाया जाता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अब आते हैं इसकी बात करते हैं। तो आपको प्रोप वाले में समझ में आ गया, ठीक है, प्रोपाइल वाला यानी कि इस 3 कार्बन एटम के रिंग चेन में सारी बातें समझ में आ गई। यही रूल क्या होगा, सबके ऊपर लागू होगा जो आपने ऊपर समझा। जैसे इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में अगर आप देखो तो कंपेयर कर लो, रिंग चेन में, रिंग में कितने 4 कार्बन एटम और यहां कितने 2, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि यहां 1, 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा, 1 एथाइल साइक्लो, याद रखिएगा 1 एथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। यहां देखो, अब देखिए यहां क्या है, यहां रिंग चेन में कितने हैं, 4 कार्बन एटम, ध्यान से समझिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं। रिंग चेन में कितने दिए हैं, 4 कार्बन एटम, जबकि स्ट्रेट चेन में कितने दिए हैं, 1, 2, 3 दिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। जब यह एक फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी भले ही यहां नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है, क्या दिमाग में जा रहा है, भले ही यहां नंबर ऑफ कार्बन 1, 2 और 3 दिए हुए, अब काउंटिंग भी हमने 1, 2, 3 ऐसे की, क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि काउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां से फंक्शन ग्रुप क्या पढ़ते हैं, पास में पढ़ते हैं। तो यहां क्या हो गया, 1, 2, 3। तो भले ही कार्बन आइटम यहां पर क्या है, कम है, लेकिन प्रायोरिटी इसी को दी जाएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 साइक्लो ब्यूटाइल होगा, याद रखिएगा, ब्यूटेन नहीं करिएगा, ब्यूटाइल, ठीक है, 3 साइक्लो ब्यूटाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन दिया है तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एन, और इसके लिए जैसा कि बताया गया क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा, ठीक है, तो 3 साइक्लो ब्यूटाइल प्रोपेनल हो जाएगा यहां ये, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर इसमें क्या है, 4 कार्बन, रिंग चेन में 4 कार्बन एटम और यहां 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ, तो कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि यहां क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तो प्रायोरिटी इसी को दे दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, याद रखिएगा काउंटिंग यहां से नहीं करेंगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड है वहां से करेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बताइए फिर से, इसका नाम हो जाएगा 5 साइक्लो ब्यूटाइल, उसके बाद पेंट 1 इन हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, याद रहेगा। अब आइए यहां देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा आपको बताइए, क्योंकि यहां पर क्या है, 5 कार्बन एटम है और यहां पर 2 है, तो प्रायोरिटी इसको 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसको क्या मान लिया जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 एथाइल
साइक्लो पेंटेन। पेंटेन क्यों लगाया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बट अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसको थोड़ा सा देखिए क्या हो जाएगा। अगर आप देखें तो रिंग चेन में फाइव कार्बन एटम कितने हैं? रिंग चेन में फाइव कार्बन एटम है, जबकि यहां पर क्या दिया हुआ आप देखो तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा मजे की बात है, देखिए यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इस पर यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो अब कार्बन की काउंटिंग कहां से कर दोगे? यहां से, जहां से यह क्या हो जाएगा, अब यह सब्सिक्वेंट ग्रुप हो जाएगा ना। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता, डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता, तो काउंटिंग वहां से कर लेते जहां से वो पास पड़ते, बट यहां कोई नहीं है। तो अब इसको जो चेन दिया हुआ उसको क्या मानेंगे, जो रिंग दिया हुआ उसको क्या मानेंगे, सब्सिक्वेंट ग्रुप मानेंगे। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, याद रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बता दीजिए फिर से। तो इसका नाम हो जाएगा, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ कर सकता हूँ, देखिएगा, हालांकि बहुत ज्यादा मैंने मिक्स कर दिया है, फिर भी आप समझ पा रहे होंगे। क्या दिया हुआ? वन वन साइक्लो पेंट आइल हो जाएगा, वन साइक्लो पेंट आइल, और उसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अब आइए जरा इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। यहां पर देखिए रिंग में फाइव कार्बन चेन है, रिंग में कितने फाइव कार्बन चेन, रिंग में कितने कितने कार्बन के एटम है, फाइव। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अगर आप चाहें तो 1 2 3 3, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो 1 2 और 3 देख रहे हैं, 2 पे ही, अगर आप 1 2 यहां से भी चल रहे हैं और वहां से 1 पे चल रहे हैं तब भी 2 पे ही फंक्शन ग्रुप पड़ रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 1 साइक्लो पेंटाइल, भाई पेंटेन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पेंटाइल करेंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 साइक्लो पेंटाइल, और क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले फंक्शन ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस वाले फंक्शन ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई लोग? इसको बोलते हैं कीटोन, और कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है? ओन। तो क्या हो जाएगा? पेंट, और इसका ई हट जाएगा, आपको याद रहेगा ई, तो क्या हो जाएगा? 2 O, यानी ओन। तो दिमाग में गया है, आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर और अच्छे से कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हुई है, थोड़ा सा मेरे साथ और प्रैक्टिस करिए, अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो वीडियो रोक करके थोड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं मिलाता जा रहा हूँ चेक कर लीजिए कि आपका गलत है कि सही है। फिलहाल इन कंपाउंड्स में भी मेरे साथ आप रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब इस कंपाउंड्स की बात करते हैं, थोड़ा सा अलग है। यहाँ देखिए 6 कार्बन एटम दिया हुआ, तो ये तो थोड़ा आसानी है, क्योंकि रिंग चेन में अगर आप देखो तो रिंग चेन में कितने कार्बन दिए हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। रिंग चेन में कितने कार्बन दिए हैं? 6 दिए हुए हैं, जबकि यहाँ पर क्या है? 1 and 2 दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो नेमिंग आप आसानी से कर सकते हैं, नेमिंग में क्या कर सकते हैं बता दीजिए फिर से। नेमिंग में क्या हो जाएगा? 1 2 भाई 1 and 2 जो काउंट नहीं होते उनको सब्सिक्वेंट बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 times आया तो क्या हो जाएगा? डाई, और उसको क्या बोलेंगे? मेथाइल। 1 2 डाई मेथाइल, और क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इस कंपाउंड में आप देखो, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि यार यहां पर रिंग में कितने हैं? 4 कार्बन एटम है, और यहां पर 1 2 3 कार्बन एटम है, यानी कि यहां पर 3 कार्बन एटम है। तो अगर आप सोच रहे हैं ऐसा तो गलत सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा इस कंपाउंड पे फोकस करिए, ब्रेकेट में 3 होल 3 लगा हुआ, CH2 का होल 3 दिया हुआ, इसका मतलब थोड़ा देखिएगा, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, CH2 और ये वाला CH2 जो है 3 times है, यानी कि CH2 CH2 और CH2 है और CH3 है। अब सोचिएगा, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, कह रहे यार सर ने बताया है ये 4 rings यहाँ दिए हुए और यहाँ 1 2 3 3 कार्बन दिख रहा है, तो यही होगा कि इसको मेन चेन मान लेंगे और इसको सब्सिक्वेंट मान लेंगे। नहीं, यहाँ पर 3 दिया होगा, क्या दिया होगा? 3, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो अब आप चेक कर लो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं दिया होगा, ठीक है, यहाँ 4 दिया है और यहाँ 1 2 3 4 5 दिया होगा, तो काउंटिंग मैंने बताया कोई फंक्शन ग्रुप नहीं दिया, काउंटिंग यहीं से 1 2 3 4
ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये 4 और 5 तो इंपॉर्टेंस इसी को दे दी गई और इसको सब्सिक्वेंट ग्रुप मान लिया गया, क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, मैं बार बार कह रहा हूं ब्यूटाइल लगाएंगे, ब्यूटेन नहीं लगाएंगे, ब्यूटाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्यों इन लगा रहे हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन है, कार्बन दिया हुआ, यहां देखो यहां CH2 दिया है एंड C2H5 दिया हुआ, तो काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग यहां से दिया, यहां से कर लो 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ, क्या हो जाएगा, 1 ethyl 1 ethyl, ये तो मेन, ये तो 5 है और ये छोटे छोटे हैं, तो 1 ethyl 2 methyl और क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन हो जाएगा, याद रहेगा, बताइए याद रहेगा नहीं याद रहेगा। अब थोड़ा इस कंपाउंड्स की बात करते हैं, जब आप इस कंपाउंड्स की बात करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, जरा चेक करो, तो अगर आप देखो इस कंपाउंड्स को और कैसे लिख सकते हो, जरा चेक करो इसे, इस कंपाउंड्स को आप लिख सकते हैं कैसे, ध्यान से लिखिएगा, CH3 और जो ये लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, बॉन्ड है, याद रखिएगा CH3, अगर ऐसे कुछ लगा हुआ तब भी उसे क्या बोलेंगे, CH3, और जरा इसको चेक करिएगा, कार्बन कार्बन और कार्बन, तो यानी कि C सी और सी, और आपको पता है कि CH2 और CH3 हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, तो काउंटिंग करोगे कैसे करोगे, चेक करो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, आपको पता है ये मेथ है और ये क्या है, प्रोप है भाई, आप देखो 3 पे क्या है, 1 2 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा बता दीजिए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1,2-dimethyl और क्या हो जाएगा, 3-3-propyl और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, क्यों हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, इस कंपाउंड को जरा चेक करिए, इस कंपाउंड में भी अगर आप देखो तो काउंटिंग कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, 4 कार्बन एटम यहां दिया हुआ है और इसको अगर आप चाहो तो 1 2 3 4 और 5 कर सकते हो, पास में आ रहा है, क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो ब्यूटाइल, ब्यूटेन नहीं, देखिए मैं भी कर रहा था ब्यूटेन, ब्यूटाइल याद रहता है हमेशा दिमाग में रहता है, तो यहां पर दिमाग, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ब्यूटाइल, YLI 5 दिया हो तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन, बात समझ आ रही नहीं आ रहा, तो आप इसे लिख लो, फिर और अच्छे कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं, चलिए क्लास लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, इसमें आप जितना भी मैंने पढ़ाया बहुत ही सॉलिड पढ़ाया है, बस आप इन्हीं कंपाउंड्स की बार बार प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए इसकी बात करते हैं, इस कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो अगर आप देखो तो आपको मैंने समझाया था ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है क्या है, कीटोन है, क्या है, कीटोन है, अगर आप चाहो तो इसके लिए मैं अगर स्ट्रक्चर बना दूं, क्या हो जाएगा, CO और यहां C, यहां C, ये कुछ कंपाउंड्स कैसे प्रैक्टिस हो रहा, ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे बनेगा, C2H5 दिया हुआ और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड दिया हुआ, ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑलरेडी दिया हुआ, 1 2 3, तो आप एक एक बॉन्ड यहां दे देंगे और यहां 2 2 देने पड़ेंगे, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, H और H देना पड़ेगा और यहां 1 2 3 और एक हाइड्रोजन दे दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो बात समझनी है, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या क्या लिखोगे, जरा देखो, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 2, फंक्शन ग्रुप है ना, काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शन ग्रुप पड़ता है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, फिर से बताइए, कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 2 एथाइल, उसके बाद साइक्लो हेक्स 5 डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन, और इन का क्या हटेगा, ई हटेगा और क्या हो जाएगा, 1 O यानी ओन, ये कंपाउंड का क्या, तो ये बात समझ में आ गई, ओके।
अब आइए यहाँ ये देखिए, यहाँ पर भी क्या है, अब वही चीजें लगातार बताता आ रहा हूँ। रिंग में कितने हैं? 6 कार्बन एटम है, बट और यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 1 and 3। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाले क्या है, चेन कम है, और ये वाले रिंग चेन में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। तो प्रियोरिटी किसे दी जानी चाहिए? इसे। बट आपको पता होना चाहिए कि ये अपने साथ फंक्शनल ग्रुप लेके चल रहा है। क्या लेके चल रहा है? फंक्शन ग्रुप लेके चल रहा है। तो फंक्शन ग्रुप लेने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रियोरिटी किसे देनी पड़ेगी? फंक्शन ग्रुप वाले को। तो कार्बन की काउंटिंग कहां से करनी पड़ेगी? यहां से 1, 2 और 3। अब ये आपका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2-साइक्लोहेक्साइड हो जाएगा, हेक्सेन नहीं होगा, हेक्साइड होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रो एन, और एन का क्या हटा है? ई हटा है, और अगर आपको याद रहा हो तो ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है, ठीक है। तो अब एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज होता है, क्या यूज होता है? एल, अल यूज होता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बता दीजिए फिर से। यह हो जाएगा एल। तो क्या नाम हो जाएगा? 2-साइक्लोहेक्साइड और प्रोपेनॉल। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए वाला, यहाँ देखिए, फिर भी यहाँ भी देखिए, यहाँ 3 कार्बन एटम है, रिंग चेन में 3 कार्बन एटम, और यहाँ सिर्फ 2 कार्बन एटम है। इंपॉर्टेंस किसे दी जानी चाहिए, आप बताइए? इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस डबल बॉन्ड को दी, ना कि रिंग चेन को दी जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 1 and 2। तो क्या हो जाएगा? 1-साइक्लो-प्रोपाइल, 1-साइक्लो-प्रोपाइल, और क्या हो जाएगा? एथ, ठीक है, और क्या हो जाएगा? 1, और हो जाएगा इन। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एग्जाम में जब भी जाइएगा तो इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, नोट बना लीजिएगा, और बार बार इसे क्या करिए, रिवाइज करिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्यों? क्योंकि आपके मैसेज से हमें कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।